लंबाई जो कि है इसको 9, ठीक है, 9 का ब्लॉक तैयार करना है। 9-9 का जो ब्लॉक तैयार करना है मतलब चेस्ट का चौथाई भाग इधर, चेस्ट का चौथाई भाग इधर, और ये जो 9 ले रहे हैं कैसे ले रहे हैं, चेस्ट का आधा 9 इंच, ठीक है, ये ले लिया चेस्ट का आधा 9 इंच का ब्लॉक तैयार हो गया। अब यहाँ इसको मिट कर दिया, जैसे ये क्या हो, देखिए इसके बाद यहाँ से यहाँ आपको डेढ़ लेना है, यहाँ से यहाँ डेढ़ लेना है, और यहाँ से यहाँ डेढ़ लेना है, ठीक, और इसको राउंड शेप में मिला देना है, यही फार्मूला इधर लगाना है, डेढ़ और डेढ़ इसको ये राउंड शेप में मिला देना, ठीक है। इसके बाद यहाँ आपको निशान लगाना है चेस्ट का छठा भाग, यानी कि 6 इंच पे निशान लगाएंगे यहाँ पे, और इसका मिट करेंगे 3 इंच का, 1-2 इंच अंदर लेंगे इधर, 3 इंच का 2 इंच अंदर लेंगे, और इसको राउंड शेप में मिला देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मिड पॉइंट से 1.5 इंच लेना है चेस्ट का बारहवा भाग, 1.5 इंच चेस्ट का बारहवा भाग, और इसको आराम से इस तरह से मिला देना है, ठीक है। इतना मिलाने के बाद ये शेप आउट करना, अगर आपको नहीं करना है तो आप कोई भी शेप बना सकते हो, ये अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन, ठीक है। इसके बाद ये लाइन देख रही है, ये 3 इंच की चौड़ाई आपकी 3 है और 2 इंच लंबी है, ठीक, ये ब्लॉक जो है 2 इंच का है, ये चीज 3 इंच है, ठीक, इतनी इस तरह से इधर बनाया, इस तरह से इधर बनाया, ये आपका दोनों ही दिखा रहा है, ठीक है, फ्रंट और बैक। इसके बाद ये देखिए दिखा रहा है हिप लाइन, हिप लाइन में क्या लेना है, यहाँ पे आपको 9.5 इधर लेना है और 9.5 इधर लेना है, ठीक है। अब 9.5 कैसे आया, हिप का 1/3 प्लस आधा, तो 9.5 प्लस 2 = 9.5, और यहाँ पे लेना है आपको हिप का 1/3, तो ये आपको लेना है 7.5, ठीक। 7.5 लेने के बाद आप इसको उसका आधा करेंगे, लंबाई का आधा, तो 4.25 लेने के बाद यहाँ से वही आपको लेना है हिप का बारहवा भाग, तो हिप आपकी 22 है, 22 को कितना मुश्किल से आप 1/2 ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 1/2 को लेना है 3/4, यहाँ पे 1/2 इंच लेना, 2 इंच भी ले सकते हैं सफेद से, इसको मिलाने के बाद इसको तिरछा मिला देंगे, जैसा बताया है मिड पॉइंट करेंगे, आधा इधर आधा इंच नीचे लेंगे और 1 इंच ऊपर, ये आधा इंच जो लेने वो बैक पल्ले पे है और जो 1 इंच ले रहे हैं वो फ्रंट पल्ले पे है। यही फार्मूला इधर है कि हिप का वाला 1/2, ठीक है, इसका इसका आधा करेंगे और ये लेंथ लेंगे यहाँ पे आधा इंच और यहाँ पे 1 इंच, इसको शेप आउट करके मिला देंगे। ये आपका तो ये तैयार हो गया, ये आप मतलब ये आपकी जागे टाइप का तैयार हो रहा है। अगर आप इसमें पैंट ऐड करना चाहते हैं तो हाफ पैंट है, ये कैसे है, ये पूरा लंबाई है आपकी आ रही 10.5, इसका भी सूत्र है, हिप का पहले 1/3 लेंगे फिर उसमें हमें छठा भाग प्लस करा तो 10.5 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको लेना हिप का 1/3 प्लस 2 इंच, यानी कि 9.5, 9.5 लिया, यहाँ पे आपको लेना है 7.5, ये 9.5, और ये इसका ब्लॉक तैयार कर, ठीक है। ब्लॉक तैयार करने के बाद यहाँ पे बारहवा भाग बढ़ा है आगे, हिप का बारहवा भाग तो 1/2, और यहाँ पे 24वां भाग पे निशान लगाया शेप आउट कर, ये देखिए राउंड शेप दिया हुआ है ऐसे मिला के, और ये जो कट रहा है ये साधा पैजामे की बॉडी। अब यहाँ पे हिप का बारहवा भाग आ गया, यहाँ पे आधा इंच हमने ले रखा और यहाँ पे भी आधा इंच ले रखा, आप चाहें तो लीजिए और नहीं तो आप सादे पैजामे के तरीके आप इसको इरेज कर दीजिए, बिल्कुल बराबर आप शेप दे दीजिए। 1 इंच हमने नेप टर्निंग के लिए रखा है, शो करने के लिए आपका पूरा हाफ पैंट तैयार, ये इसमें एंड हो जाएगा, तो ऐसे गैदरिंग के साथ, देखिए शो है गैदरिंग, गैदरिंग के साथ आपका बाबा सूट तैयार।